Hey, what's up guys? तो क्या हालचाल आप सभी की गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के टॉप 5 बेस्ट बजट स्मार्टफोन्स के बारे में। और हमारा जो बजट होने वाला है 10,000 से लेकर 30,000 तक का होने वाला है, और इसके पीछे एक रीज़न है, मतलब वीडियो बनाने के पीछे एक रीज़न है कि आजकल मार्केट में काफ़ी सारे सैमसंग के डिवाइस आ चुके हैं। यदि अपने लिए आप चूज़ करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है और काफ़ी सारी रिसर्च वगैरह आपको करनी पड़ सकती है। तो रिसर्च वगैरह काम आपका वैसे भी है नहीं, वो काम साइंटिस्ट लोगों का है और उन्हीं पर हम वो काम छोड़ देते हैं। गाइस, इस वीडियो में आपको टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन बताने वाला हूं, आप उनमें से अपने बजट के अकॉर्डिंग एक चूज करके परचेज कर पाएंगे। सो गाइस, मेरा नाम है शर्मा, आप देख रहे हैं टेक्नो टॉक। सो लेट्स टॉक अबाउट टेक। सो गाइस, हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर जो डिवाइस आता है ना, वो आता है गैलेक्सी की तरफ से आने वाला गैलेक्सी M12। इस फोन की बात करें ना तो ये काफ़ी बजट टाइप का फोन है, मतलब यदि आपका बजट काफ़ी ज़्यादा कम है ना, 10,000-11,000 अराउंड है, तो आप इजीली से परचेज कर पाएंगे। ये काफ़ी अच्छे बजट के अंदर आपको मिल जाता है और इसमें जो स्पेक्स दिए गए हैं वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। सबसे पहले इसकी कुछ डिटेल की बात कर लेते हैं ताकि आपको भी पता चले कि फोन में क्या पावर है या कैसा फोन है। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, वो भी 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट मिलती है वो 60 हर्ट्ज की नहीं बल्कि 90 हर्ट्ज की मिलती है, और वो भी 10,000 या 11,000 के फोन में। ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती, क्योंकि भी आपको पता है बजट काफ़ी कम है फोन का, सैमसंग इतने कम प्राइस के फोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको नहीं दे सकता। दूसरी जो सबसे अच्छी बात है, इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, और ये बैटरी नहीं बैठ रहा है, साथ में आपको 15W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, वो भी काफ़ी अच्छी बात है। कैमरा सेटअप की बात करें तो वो भी अच्छा खासा है, यहाँ पर 48MP 5MP 2MP और 2MP। और गाइस, ये जो एंडिंग के 2 MP कैमरा है ना, वो तो आपको भी पता है कंपनी आपको बुलाने के लिए देती है। बाकी इसका जो मेन कैमरा है ना 48MP का, वो काफ़ी अच्छा कैमरा है, आपको अच्छी खासी फोटो क्लिक करके देगा। सबसे अच्छी बात कि ये जो कैमरा है कोई सेंसर वगैरह नहीं लगा रखा, ये ओरिजिनल 48MP का कैमरा है। साथ में यदि फ्रंट कैमरे सेटअप की बात करें तो यहाँ पर आपको 8MP का F2.2 अपर्चर का कैमरा देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छी खासी वो आपको फोटो क्लिक करके दे देगा। और गाइस, अब बात कर लेते हैं इस फोन के डाउनफॉल की। वैसे सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो काफ़ी अच्छी अच्छी थी, अब कुछ बेकार बातें हैं, जैसे कि इसका प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको एक्जिनोस 850 प्रोसेसर देखने को मिलता है। वैसे इस प्रोसेसर की बात करें तो ये कुछ अच्छा खासा प्रोसेसर नहीं है, बल्कि ठीक ठाक सा प्रोसेसर है। इसमें आप गेमिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे, मतलब हैवी गेमिंग नहीं कर पाएंगे, थोड़ी लाइट वगैरह गेमिंग करना चाहते हैं, आप फ्री फायर वगैरह खेलना चाहते हैं, वो काम ये प्रोसेसर ईजिली करके दे सकता है। बट यदि आप सोच रहे हो कि यार थोड़ी बहुत पबजी वगैरह खेल लें थोड़ा 1-2 घंटा, तो आपको लैग वगैरह फ्रेम ड्रॉप वगैरह आपको इजीली देखने को मिलेंगे, क्योंकि भैया ये जो प्रोसेसर है ना, ये इतना हैवी लोड नहीं ले सकता, मतलब आपको हैवी गेमिंग नहीं करवा सकता। वैसे इस प्रोसेसर का जो स्ट्रक्चर है वो 8nm वाला है, यानी आपकी जो बैटरी है उसका बैकअप आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। यदि मैं अपना पर्सनली ओपिनियन दूँ इस फोन के रिलेटेड, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। यदि जिन बंदों को मान लीजिए प्रोसेसर की जरूरत नहीं होती फोन में, वो सिर्फ बेसिक टास्क के लिए यूज़ करना चाहते हैं, वो इजीली इस फोन के साथ जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिवाइस है सैमसंग की तरफ से। सो गाइस, अब हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है गैलेक्सी की तरफ से आने वाला गैलेक्सी M31। इस स्मार्टफोन की बात करें तो इसका जो बेस वेरिएंट है 6GB 128GB वाला, वो आपको इजीली 17,000 के अराउंड मिल जाता है। और वहीं पर इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है और एक प्लस पॉइंट है। वहीं पे इसका जो रिफ्रेश रेट है वो नॉर्मल रिफ्रेश रेट है, यानी ये डिवाइस 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट पर वर्क करता है। वहीं पे कैमरा सेटअप की बात करें तो आपको 64MP का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो मेन कैमरा है वो 64MP का है, जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो आपको 8MP का देखने को मिलता है, बाकी जो दो कैमरे हैं वो 5 MP के देखने को मिलते हैं। बाकी यदि इसके फ्रंट कैमरा सेटअप की बात करें तो यहाँ आपको 32MP का देखने को मिलता है, जो आपको अच्छी खासी एक सेल्फी निकाल के दे सकता है। इस फोन में आपको 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी दी जाती है, साथ में आपको यहाँ पर 15W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, और जो चार्जर है वो आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलने वाला है। वहीं पे इसकी प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक्जिनोस 9611 प्रोसेसर देखने को मिलता है, और आप सभी को पता होगा कि एक सैमसंग का प्रोसेसर है, यानी सैमसंग खुद बिल्ड करता है इस प्रोसेसर को। इस प्रोसेसर की यदि हम परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये कोई फ्लेक्सी प्रोसेसर नहीं है, ये आपको ठीक ठाक सी गेमिंग वगैरह करवा देगा, बट ऐसा नहीं है कि आपको हाई लेवल की गेमिंग करवाएगा, ऐसी भी बात नहीं है, बल्कि आपको ठीक ठाक सी गेमिंग करवा देगा, थोड़ी बहुत लैग और फ्रेम ड्रॉप तो आपको देखने को मिलेंगे पबजी में।
हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर जो डिवाइस आता है वो आता है गैलेक्सी की तरफ से आने वाला गैलेक्सी F62। वैसे ये फ़ोन हाल ही में लॉन्च हुआ और आपने इसका नाम काफ़ी बार सुना ही होगा क्योंकि इस फोन की काफ़ी हाइप बनाई गई है और इसमें जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो एक फ्लेक्सी प्रोसेसर है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइस की। जो इसका बेस वेरियंट है 6GB 128GB वाला, वो आपको ईजिली 21,000 या 24,000 के अराउंड मिल जाता है, मतलब बीच में देखने को मिलता है। इस फोन की डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच की एक सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है जो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा करने वाली है। साथ ही में आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, यहाँ पर आपको नॉर्मल रिफ्रेश रेट मिलता है, यहाँ पर कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता क्योंकि भैया इसके रीज़न मेरे को पता नहीं है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छा खासा है और 1-2 हज़ार रुपये बढ़ाकर इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट तो सैमसंग को देना ही चाहिए था, बट फिर भी चलो ठीक है 60Hz भी चलेगा क्योंकि इसकी प्राइस काफ़ी कम है। कैमरा सेटअप की बात की जाए तो यहाँ पर 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मेन कैमरा 64MP का, अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको 12MP का, बाकी जो दो कैमरे वो आपको 5-5MP को देखने को मिलते हैं। वहीं पर इसके फ्रंट कैमरा सेटअप की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 32MP का कैमरा देखने को मिलता है जो F2.2 अपर्चर के साथ देखने को मिलता है, जो आपको अच्छी खासी एक सेल्फी निकाल के दे सकता है। फाइनली इस फोन के जो दो पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने में मुझे काफ़ी खुशी होगी। सबसे पहले इसकी जो बैटरी है वो आपको मिलती है, यहाँ पर वो बैटरी नहीं मिलती, यहाँ पर वो बैटरा मिलता है, यहाँ पर आपको 7000mAh की बैटरी देखने मिलती है जो आपको 25W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलती है और साथ में आपको जो चार्जर है वो भी बॉक्स के अंदर देखने मिलता है। और दूसरा जो हाइप है वो इसकी है कि इसका जो प्रोसेसर है ना वो काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है, यहाँ पर आपको एक फ्लेक्सी प्रोसेसर दिया जाता है, यहाँ पर आपको एक्जिनोस 9825 प्रोसेसर देखने मिलता है जो कि एक फ्लेक्सी प्रोसेसर है, यानी आपको जो परफॉर्मेंस है इस फोन की वो काफ़ी अच्छी देखने मिलती है। बट इस फोन के साथ एक इश्यू है, यहाँ पर एक्चुअल में इसकी जो परफॉर्मेंस निकल के आती है ना गेमिंग वाली वो इतनी अच्छी नहीं आती है। मेरे को पता नहीं है कि उसके पीछे क्या रीज़न है, कि काफ़ी बंदे बोलते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन का इश्यू है, काफ़ी बंदे बोलते हैं कि थर्मल प्रॉब्लम है, बट मेरे को एक्चुअल में पता नहीं है कि क्या रीज़न है जिससे कि इसकी परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी निकल के नहीं आती। वैसे इसके जो बेंचमार्क है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, उनके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसको परफॉर्मेंस है वो कितनी निकल के आनी चाहिए, बट नहीं आ रही वो परफॉर्मेंस। यदि आपको इस फ़ोन से डेली के टास्क करने सिर्फ तो आपको ये फ़ोन परचेज़ करना चाहिए, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे सकता है, पर यदि आपको गेमिंग वगैरह करनी है तो ये फ़ोन आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के नहीं दे रहा, बट इसको निकाल के देनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है। बट क्या पता फ्यूचर में सैमसंग इसके साथ अपडेट निकाल के लेके आए और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाए। इस फोन में यदि फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो अच्छा खासा वर्क करता है, आपको काफ़ी फास्टली अपना फ़ोन अनलॉक कर पाएंगे। सो गाइस फाइनली बात करते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 2 और नंबर 1 पर आने वाले फोन्स के बारे में, और गाइस यहाँ पर मैं आपको दोनों को एक साथ बताने वाला हूँ। उसके पीछे रीजन है कि दोनों फोन्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बट मैं आपको इसलिए साथ बता रहा हूँ कि आपको पता चल सके क्यों मैंने M51 को नंबर 2 पर रखा है और नंबर 1 पर A71 को रखा है। सबसे पहले हम प्राइस की बात करें तो M51 का जो बेस वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वो आपको 22,000 का देखने को मिलता है, और वहीं पे A71 का जो बेस वेरिएंट है 8GB 128GB वाला वो आपको 25,000 के अराउंड देखने को मिलता है। प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है बट फ़ोन में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है दोनों फोन्स में। इन दोनों फ़ोन में डिस्प्ले में कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, दोनों में रिफ्रेश रेट 60Hz की है, बट यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर आपको जो ब्राइटनेस दी जाती है ना A71 में काफ़ी अच्छी दी जाती है और थोड़ी सी A51 से अच्छी दी जाती है। वैसे यदि बाकी डिटेल की बात करें तो यहाँ पर जो कैमरा सेटअप वो भी दोनों फोन्स में सेम है, यहाँ पर आपको 64MP कैमरा सेटअप मिलता है। साथ में बाकी कैमरे की बात करें तो 12MP 5MP और 5MP के बाकी कैमरे देखने को मिलती हैं और दोनों फोन्स में सेम कैमरा सेटअप है, बस फर्क ये है कि जो M51 में कैमरा सेटअप है ना वो सोनी कंपनी का है, वहाँ पर इन्होंने सोनी कंपनी का सेंसर यूज़ किया है, और जो A71 में कैमरा सेटअप है ना तो इन्होंने वहाँ पर अपना खुद का कैमरा सेटअप यूज़ किया है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आप दोनों फोन्स में सेम कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 32MP वाला जो F2.2 अपर्चर के साथ आपको देखने को मिलता है। दोनों ही फ़ोन की यदि प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको M51 में 730 प्रोसेसर मिलता है, स्नैपड्रैगन का 730, ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 730 मिलता है। वहीं पे आपको यदि A71 की बात की जाए तो वहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर मिलता है, यानी आपको यहाँ पर जो A71 में प्रोसेसर देखने को मिलता है वो एक 4G नहीं बल्कि 5G प्रोसेसर है, और हमारे जो M51 में प्रोसेसर देखने को मिलता है वो एक 4G प्रोसेसर है, यानी दोनों फ़ोन में एक मेजर डिफरेंस है कि एक 4G फ़ोन है एक 5G फ़ोन है। दोनों ही फ़ोन में यदि बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर M51 में आपको 7000mAh की बैटरी दी जाती है और वहीं पे आपको A71 में आपको
4500 mAh की बैटरी मिलती है, मतलब थोड़ी सी कम है बैटरी, बट उसके पीछे एक रीजन है। जो डिजाइन है ना A71 का, वो काफी अच्छा डिजाइन है और काफी स्लिम फोन है। यदि आप इस फोन की इन हैंड फील देखोगे ना तो भाई आपको कतई मजा आने वाला है। तो इसका जो लुक है वो भी काफी जबरदस्त देखने को मिलता है। M51 है वो थोड़ा मोटा फोन है, A71 काफी स्लिम फोन है, तो इसी रीजन से इसकी जो बैटरी है वो थोड़ी कम हो जाती है। दोनों फोन्स में आपको 25 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और जो चार्जर है वो आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। बेसिकली यही दोनों फोन्स में डिफरेंस है, आपको जो भी पसंद हो आप इजीली परचेज कर सकते हैं। सो गाइस ये कुछ फ़ोन थे जो 10,000 से 30,000 के बजट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, और यदि आप में से कोई भी परचेस करना चाहता है कोई भी फ़ोन, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इजीली परचेस कर सकते हैं। सारे फोन्स की लिंक नीचे आपको मिल जाएगी, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेक न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।